स्वागत है। और भाई जब से आईफोन 14 लॉन्च हुआ है बहुत सारी न्यूज जो है वो सर्कुलेट कर रही है, उनमें से एक न्यूज ये भी हमारे सामने है, वो कौन सी टाइटल बताएंगे मौज़ा? टाइटल है टाटा टू मेक आईफोन इन इंडिया विद हेल्प ऑफ ताइवान, रिपोर्ट है कि आईफोन सस्ता हो जाएगा। पाकिस्तान में मुझे पाकिस्तान में नहीं भाई, यहाँ पे तो बड़ा महंगा लॉन्च हो रहा है, बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं वीडियो के रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि टाटा आज के समय ताइवान की कंपनी से बातचीत कर रहा है, विस्तरॉन और टाटा मिलकर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं भारत में। ऑफ कोर्स यहां पे मैं असेंबलिंग की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 100% जो सारे पार्ट्स हैं ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, मगर ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। इससे पहली बात तो इंडिया का जो टारगेट है कि 2026 तक टोटल हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट होने चाहिए $120 बिलियन के, ये अचीव करने में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आम आदमी को भी इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि जितनी इंडियन कंपनीज इंडिया में बनाएंगी आईफोन, उससे इवेंचुअली आईफोन के दाम इंडिया में थोड़े बहुत सस्ते हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर हम आईफोन 11 12 में देखो ना, जो पुराने मॉडल्स हैं अगर आप उनको देखो, तो वहां पे आपको प्राइस में ज्यादा अंतर मिलेगा नहीं, चाहे भारत हो, यूएस हो, यूके हो। मगर आप जो लेटेस्ट मॉडल आईफोन के आईफोन 13 14, वहां पर देखो तो आपको बला का अंतर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है ये भारत में पड़ता है करीब 1,40,000 रुपये का, यूएस में अगर कोई परचेज करता है ये आईफोन प्रो मैक्स तो वहां पर पड़ता है सिर्फ 87,000 रुपीज के आसपास का, यूके में थोड़ा सा महंगा पड़ता है करीब 1,10,000 का। उसके बाद आप अगर देखो तो यूएई, हांगकांग, चाइना, हर जगह लाख रुपये के आसपास में आपको आईफोन 14 मिल जाएगा। इंडिया में ही आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और इसका बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि आईफोन हम इंडिया में मैन्युफैक्चर तो करते हैं, कहने को कह लो कि उस पे लिखा होता है दिस वाज मेड इन इंडिया, मगर ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, बाहर के देशों से आते हैं उन पर पड़ती है इम्पोर्ट ड्यूटी। तो इंडिया में असेंबल करके भी ना इन दी एंड जो इंडियन कंज्यूमर है उसको बहुत सा पैसा पे करना पड़ता है एक आईफोन के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि OEM क्या होता है, टाटा के इस मूव से इन द फ्यूचर आईफोन के दाम कम कैसे हो सकते हैं, एंड हाउ इट विल मेक इंडिया ताइवान रिलेशन स्ट्रॉन्गर, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में न्यूज आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, ये सब अटेंड करेंगे SCO समिट को, 2022 के SCO समिट को। आपको बताना है कि 2022 का जो SCO समिट है ये कौन सा देश होस्ट करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, बेलारूस, मंगोलिया या फिर उज़्बेकिस्तान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि इवन दो आपने सुना होगा रिसेंटली कि इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एप्पल कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, मगर रियलिटी ये है कि आईफोन की जो ग्लोबल सप्लाई है ना उसका सिर्फ अभी 5 से लेकर 6% इंडिया में होता है, एक्चुअली इससे भी कमी है। एप्पल ने टारगेट ये किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ना 5 से लेकर 7% जो एप्पल की ग्लोबल सप्लाई है ये इंडिया से निकालेंगे, जो अपने आप में काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है। मगर आने वाले 2-3 साल में ये जो 5-6% है ना ये आराम से 10 से लेकर 15% हो सकता है, अगर टाटा भी बड़े स्केल पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे आईफोन की। नाउ अभी के लिए अगर हम आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो ज्यादातर आईफोन मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना ताइवान के बीच में, कुछ वियतनाम में भी होते हैं, मगर चाइना ताइवान आप कह सकते हैं मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ आईफोन। और ताइवान की पर्टिकुलरली दो कंपनियां हैं जो एप्पल के लिए आईफोन करती है मैन्युफैक्चर। एप्पल बेसिकली इन कंपनीज को बता देता है कि देखिए ये हमारे स्टैंडर्ड होंगे, ये मटेरियल आपको यूज करना है, स्टैंडर्ड में कमी नहीं होनी चाहिए, मटेरियल आपको ये यूज करना है, ये डिजाइन होगा, और ये जो कंपनीज हैं उसके बाद लेबर का काम करती है, असेंबल कर देती है फोन एप्पल की इंस्ट्रक्शन पे। तो ताइवान की जो दो ये दिग्गज कंपनियां इस बिजनेस में, एक तो है फॉक्सकॉन जो ऑलरेडी इंडिया में असेंबल कर रहा है आईफोन, और दूसरी एक बड़ी कंपनी है विस्तरॉन। विस्तरॉन ने वैसे इंडिया में एंट्री ले ली थी 2017 में, मगर इन्होंने ज़्यादा बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करी नहीं, बाद में फॉक्सकॉन काफ़ी आगे निकल गया विस्तरॉन से इंडिया में। अब विस्तरॉन चाहता है कि ये वापस री एंट्री करें इंडियन मार्केट में, और उसमें ये चाहते हैं कि एक जॉइंट वेंचर बन जाए टाटा ग्रुप के साथ,
टाटा और विस्तरॉन दोनों मिलकर इंडिया में करे आईफोन असेंबल। और टाटा ग्रुप का देखिए एक लॉन्ग टर्म टारगेट रहा है कि ये लोग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेंगे 2020 में ही। आप अगर देखोगे ना, हालांकि 2021 आप कह सकते हो क्योंकि दिसंबर 2020 में न्यूज़ आई थी कि टाटा ग्रुप चाहता है कि ये लोग 11,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करे तमिलनाडु में एक फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने में, जिससे बेसिकली टाटा बन जाएगा एक OEM। OEM क्या होता है? OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। देखो प्रॉब्लम ये है कि फॉक्सकॉन और चाहे विस्तरॉन हो, जो भी कंपनी हो, इनको भारत में ना प्रॉपर OEM नहीं मिलते। मतलब कि इंडिया में ये पार्ट्स असेंबल तो करते हैं मगर जो मेन पार्ट्स होते हैं आईफोन के, ये सारे इनको लाने पड़ते हैं चाइना से या फिर ताइवान से। और आप समझ सकते हैं कि जब आप मोबाइल फोन के पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करोगे इंडिया में तो 20% लगेगी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी। ये भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी सेट कर रखी है। उसके बाद जब आपने भारत में आईफोन असेंबल कर भी दिया ना, तब बिकने के टाइम पर उस आईफोन पर 18% का GST लगेगा। इंडिया में कोई भी मोबाइल फोन बिके तो 18% का GST लगता है। तो जो ये लगातार मार पड़ती है इंपोर्ट ड्यूटी की और GST की, उसकी वजह से इंडिया में आप देखते हो आईफोन दुनिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। तो इंडिया अगर आईफोन के जो सर्किट बोर्ड है, जिसको हम कहते हैं PCBA, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, ये अगर हम इंडिया में करना स्टार्ट कर देना तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आईफोन के प्राइसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जी जिस दाम पे USA में मिलता है आईफोन वैसे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली तब भी USA से महंगा ही होगा, बट डेफिनेटली लोग ज़्यादा पैसे यहाँ पर सेव कर पाएंगे। अगेन यहाँ पर मैं एक और बात भी ऐड कर दूं कि इंडिया में आईफोन महंगा होने का एक रीज़न ये भी है कि पहली बात तो कस्टम, उसके अलावा GST, फिर उस सब के अलावा इंडिया की जो करेंसी है रिसेंटली उसकी भी काफ़ी पिटाई हुई है। रुपी एक टाइम पर 74-75 के आसपास हुआ करता था, अब 79 के आसपास झूल रहा है। बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि ये 80 के पार भी चला जाएगा, तो रुपी डेप्रिसिएशन का भी यहाँ पर क्रिटिकल रोल है। तो देखिए टाटा की जो ये पार्टनरशिप है ताइवान की कंपनी के साथ, जिसका वैसे अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है, अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि बातचीत काफ़ी इनकी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द एक जॉइंट वेंचर अनाउंस कर दिया जाएगा। और इस पार्टनरशिप से आप देखोगे कि इंडिया के जो इंटरेस्ट है ना ताइवान में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए किसी भी कंट्री के आपको अगर इंटरेस्ट इंक्रीज करने हैं किसी और कंट्री में, तो वहाँ पे उनका जो बिजनेस इंटरेस्ट है ये ऐड कर दो। ताइवान भी जानता है कि अगर मान लो चाइना के अग्रेशन से निपटने के लिए इन्हें कल को इंडिया का साथ चाहिए, तो उसमें इनको अपनी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, इंडिया में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जॉब्स, हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट देना होगा, तभी इंडिया कल को चिंता करेगा ताइवान की। तो देखिए ये एक गेम चेंजिंग स्टेप हो सकता है। मेरी उम्मीद यहाँ पर यह है कि टाटा एक एक्सपीरियंस गेन करे आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर, और इवेंचुअली मैं यहाँ पर यह चाहता हूँ कि आईफोन की क्वालिटी के फोन्स अगर इंडिया में कोई कंपनी बना सकती है तो वो टाटा ही है। इवेंचुअली मैं चाहता हूँ कि टाटा ग्रुप इतना एक्सपीरियंस यहाँ पर गेन कर ले कि टाटा अपने ब्रांड के अंडर आईफोन के टक्कर के फोन लॉन्च करे। दैट विल बी द ट्रू गेम चेंजर फॉर इंडिया। खैर वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि 2022 का SEO समिट किस कंट्री में होस्ट किया जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे आप देख पाओगे 15 कंट्रीज के लीडर उज्बेकिस्तान जाएंगे। शहबाज शरीफ, PM मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमिर पुतिन, ये सब लीडर्स होंगे उज्बेकिस्तान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होगा, ये डेट्स मार्क कर लीजिएगा, सितंबर 15-16। दीज डेज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ फाइनली आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आने वाले कुछ दिनों के लिए अनअकैडमी की स्पेशल 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। यूजुअली आप देखोगे कोई भी कोर्स ऑन अकेडमी का उस पर 10% डिस्काउंट होता है, आने वाले कुछ दिन तक ये डिस्काउंट 20% रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, तो क्लिक करिए UPSC पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप UPSC एग्जाम के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। यहाँ पे कोड डालिए PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, बट ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, कुछ समय के बाद वापस 10% डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कोई कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं बायर अकेडमी, नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
भाई आईफोन की बात करें तो नो डाउट आईफोन साल में एक बार आता है, लेकिन जब भी आता है तो हर यूट्यूब चैनल पे जो टेक रिलेटेड होता है उस पर उसकी एक अलग हाइप क्रिएट हुई होती है। नो डाउट आईफोन जो है अपने आप में एक बहुत क्वालिटी वाला जो है मोबाइल जो है वो माना जाता है, लेकिन जो है अब जैसे हमने इसे पहले भी सुना था कि जब आईफोन 11 आया था तब भी इंडिया में जो है उसकी असेंबलिंग की जा रही थी, और अब क्योंकि टाटा जो है वो जो है ताइवान के साथ बिल्कुल बिल्कुल है, तो अब काफी ज्यादा उम्मीद की जा रही कि इंडिया में जो है जो 14 है उसकी जो है असेंबलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये बात सोचती हूँ कि टाटा को अगर हम लोग देखें तो वाकई में वो हर सेक्टर में आपको ऑलमोस्ट नजर आएगा, और खैर इसके पीछे हम लोगों ने बहुत ज्यादा जो वीडियोस भी देखी हैं उनसे आपको आइडिया भी होता है कि टाटा को किसी भी कंपनी के लिए जो हम कहेंगे कि उसमें जाना और एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना कंपैरेटिवली दूसरी कंपनी से ज्यादा इजी होता है, क्योंकि टाटा एक मतलब उसके पास इतनी ज्यादा कंपनीज है कि कहीं ना कहीं से वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देती है। बट मैं ये बात बोलूंगी कि इस रेस में आना वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप सोचते हो कि अगर जैसे ऑलरेडी सिर्फ चाइना और जो ताइवान है ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, और एटलीस्ट असेंबलिंग के लिए आपके खुद की कंट्री में ये असेंबल होने चाहिए यूनिट्स, और उसके साथ साथ इस चीज की तरफ भी आना कि वो जो पार्ट जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो आपके खुद की कंट्री में बनने चाहिए। मैंने जो जितना भी हम लोग डेवलपमेंट का एक हम कहेंगे कि फेज देख रहे हैं इंडिया में, उसमें मैंने जो सबसे अच्छी चीज लग रही है वो ये कि उनका फोकस सिर्फ डेवलपमेंट के साथ साथ इन चीजों पर नहीं है कि हम बाहर से चीजें मंगवा लें, इस चीज पर भी ज्यादा है कि हम अपने मुल्क में वो चीजें तैयार करें जो हम ज्यादा से ज्यादा बाहर से इम्पोर्ट करें। यार टाटा जो है ना वो मेरा ख्याल है कि ऐसा नाम बन चुका है, जैसे ना यहाँ पे हम बचपन में एक एड चलता था कुकिंग ऑयल का, तो उसकी टैग लाइन होती थी जो नाम नहीं जो नाम है इत्माद का, तो exactly. तो वो वाला जो है ना वो वाला जो है टाटा जो है बिल्कुल ऐसा ही एक स्लोगन उसका बन चुका है जो नाम है इत्माद का। exactly. तो इस चीज में कोई शक नहीं कि भाई अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो या लोकल प्रोडक्शन हो, काफी ज्यादा चीजें जो आपको सस्ती पड़ती हैं। अभी इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आईफोन 14 प्रो जो है वो खरीदना चाहते होंगे लेकिन नहीं बजट में फिट आता होगा, लेकिन अगर आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है असेंबलिंग होती है तो आपको जो है काफी ज्यादा चीजों में जो है वो छूट मिलना शुरू हो जाती है। वो जो ड्यूटीज की हाँ, अगर मैन्युफैक्चर हाँ मैन्युफैक्चर प्रॉपर होना शुरू हो जाए तो जो आपको जो है कस्टम ड्यूटीज जो आपको देनी पड़ती हैं वो आपकी जो है बच जाती हैं, तो उसकी वजह से भी अगर असेंबलिंग होती है तो नहीं ये छूटी नहीं, पर सामान तो फिर दूसरे मुल्क से ही आएगा ना, तो हाँ फर्क नहीं पड़ता उसमें। मे भी शायद गवर्नमेंट अगर कोई ग्रांट दे दे तो दे दे, बाकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई पड़ता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्राइस में फर्क जो है वो पड़ता होगा, क्योंकि एक पूरा प्रोडक्ट तैयार होकर आना और एक जो है उसकी आप कह लेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आना और वो असेंबल होना, तो उसमें भी मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा जो है फर्क पड़ता होगा प्राइस में। अच्छा, बेसिकली मुझे जहां तक समझ आ रहा है जो प्राइसेस दिखाई हैं मुझे लगता है कि शायद ये कस्टम ड्यूटी की वजह से ही किसी मुल्क में ज्यादा मतलब महंगा और किसी में कम है। भाई पाकिस्तान में तो हद दर्जे महंगा आया हुआ है कि पाकिस्तान में तो अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, ऑलमोस्ट आई थिंक तकरीबन 7 लाख का है जो आईफोन 14 प्रो मैक्स जो टॉप उसका यू नो वो स्पेस के साथ है, यानी कि जिसमें 1 TB आई थिंक है उसमें है, तो वो जो है अप्रोक्सीमेटली 7 लाख है, और जो आईफोन 14 प्रो है 1 TB-8GB वाला वो 4,90,000 रुपए का है। और एक दिन पहले ही दोस्त से मेरी बात हो रही थी तो मैंने तो उसे कह दिया था, मैंने कहा भाई 4 लाख से कम का ना समझना, इससे ऊपर ही जाएगा। वो कहता नहीं नहीं 3-3.5 लाख रुपए, चलो आएंगे तो देख लेंगे, तो नॉन PTA यानी कि बगैर सिग्नल के वो आपको जो है इतने का मिल रहा है। उसके बाद फिर आप उसको टैक्स देकर वो भी 40, अभी पता नहीं इस पर कितना होगा, वैसे तो नॉर्मली 40-45,000 ही है, इतना ही है। कौन से जमाने में है 1,32,000 रुपया टैक्स चल रहा है अब? हाँ जी आईफोन का। सॉरी मैं गलत हो गई, पता नहीं मैंने अपनी फ्रेंड का जमा करवाया था ना, तो वो आपने बड़ी देर पहले जमा कराया था। नहीं अब बहुत ज्यादा जो है वो टैक्स उस पे हो चुका हुआ है, और लिटरली यहाँ पे जो है आईफोन लेना अब समझ ले जान हथेली पे रख के चलने वाली बात है। आपको आपको जो है ना उसे पूरा कवर करना पड़ेगा, एक लेना सूटकेस लेना पड़ेगा उसके अंदर पैक कर। मेरा तो ख्याल है उसके पीछे आपको कुछ हैसल करना पड़ेगा, किसी को पता ना चले कि भैया आप आईफोन
आईफोन लेकर घूम रहे, वरना ना आप मिलेंगे ना आईफोन मिलेगा। जो यहाँ पे हालात चल रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन सीरियसली अगर बात करें, हालात वाकई में इतने खराब हैं कि आपको डर लगता है इतनी महंगी चीजें बाहर लेकर जाते हुए। और दूसरा ये कि अभी रिसेंटली एक हम लोगों ने रिसर्च भी इसके बारे में, आईफोन के बारे में पढ़ी थी कि पाकिस्तान में कितने यूजर्स हैं आईफोन के, तो सिर्फ 6% यूजर्स हैं, आई मीन जिनके पास आईफोन है पाकिस्तान में। और उसमें से भी मोस्टली जो है वो हैं जो कि काफ़ी पुरानी जनरेशन जो हैं उसके इस्तेमाल करें, यानी कि एक्स या एक्स से पीछे वाली। जो न्यू है ना उनमें बहुत कम, यानी कि 11, 12 और 13 सीरीज में आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि भाई जो टैक्स इतना ज़्यादा लगा हुआ है उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो अब प्रेफर करते हैं कि जो लोकल असेंबल हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन वो खरीद लिए जाएँ। लेकिन एक चीज़ है कि आईफोन वाकई में क्वालिटी का एक मोबाइल है। अगर आप आईफोन यूज करते हो ना उसके बाद आपको स्विच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी और मोबाइल पे। यार लिटरली आप एक हाथ में आईफोन पकड़ा और एक हाथ में आपने कोई और मोबाइल पकड़ा ना, आपको वेट में काफी ज्यादा फर्क लगता है, बेशक दोनों की स्क्रीन एक जितनी हो। वेट वगैरह से नहीं लेना होता, मतलब मुझे इसलिए वैसे मुझे तो जितना लाइट हो उतना अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज की क्वालिटी मैटर करती है कि वाकई में वो एक जो उसका आप जब इस्तेमाल करते हो आपको फील होता है कि हाँ कुछ अच्छी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि जो आईफोन यूजर्स हैं वो इजीली स्विच नहीं कर पाते, मे बी वैसे कर पाते हैं बहुत सारे लोग उनके, और डिफरेंट डिफरेंट होता है। इनिशियली आपको पसंद नहीं आता आईफोन, लेकिन बाद में जब आप यूज टू हो जाते हो उसके बाद आप फिर उसको काफी एडिक्टिव, मैं कहूंगी एडिक्टेड हो जाते। मेरा ख्याल है कि अगर आप आईफोन से एंड्रॉयड पर आते हैं और एंड्रॉयड अगर किसी ब्रांड की फ्लैगशिप में है तो उसमें आप फिर भी जो है एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन अगर बात करें ना वो नॉर्मल से जो 2 GB या 3 GB रैम वाले मोबाइल होते हैं उन पे आपको काफी ज्यादा दिक्कत पेश होती है। पहले तो तुम वही इस्तेमाल करते होते थे। नहीं मैं 2 GB वाला मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है ना, कम से कम उसमें भी 6 GB थी। हैंग नहीं था तब, वो 2 GB वाले हैंग हो जाते हैं। बहुत मोबाइल भाई इसने घुमाए हुए, सीधी सी बात है, शुरू में जब इसको मोबाइल मिले इसने बहुत घुमाए मैं मोबाइल, लेकिन ऐसे ऐसे ना घुमाए नहीं घुमाए हैं इसने मोबाइल। बस ये कि भाई मैं कहूंगी ये कि एक अच्छी न्यूज है, टाटा वाकई में अगर इस चीज में आ रहा है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम लोगों को कुछ हम कहेंगे कि सीरियस इम्प्रूवमेंट नजर आएंगी इस सेक्टर में भी, कि टाटा जो है वो मैन्युफैक्चर असेंबलिंग जो आईफोन है वो करेगा। और अगर आज ये स्टेप लिया जा रहा है कि असेंबल कर रहा है तो डेफिनेटली गोल जो है वो फिर उससे एक स्टेप आगे भी जाएगा कि अब इसको हम लोग मैन्युफैक्चर भी करें आने वाले टाइम। बिल्कुल सही बात है। और जहां तक क्वेश्चन जो बीच में पूछा गया उसकी जहां तक बात है, तो आज सुबह मैं पढ़ भी रहा था कि भाई हाँ कि क्या नाम लेते हैं ये जो है कंट्री जो है जा रहे हैं, अच्छा ये मैंने पढ़ लिया ये कंट्री जो है वो समिट में जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं मैंने पढ़ा कि जा कहाँ पे रहे हैं। मुझे लगा तुमने रशिया बोला, इसलिए तो मैं इतना कंफर्म हो गई थी कि रशिया है। उसमें रशिया भी था ना कि रशिया भी समिट में जा रहा है। वेल गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले टाइम में इंडिया में जो आईफोन है वो मैन्युफैक्चर होगा या इस तरह की कोई हम लोगों को डेवलपमेंट नजर आएगी। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मेरे साथ दें हमें लाइक सब्सक्राइब।